ये एक विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डेमो है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके कंपनी या फिर स्कूल में कोई विजिटर आया, आप उसका रिकॉर्ड एक जगह रखना चाहते हैं और बाद में उस रिकॉर्ड को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर कुछ रिस्पॉन्स होता है, जैसे कोई विजिटर आ गया फिर उसका रिस्पॉन्स यस या नो है, वो आप कैप्चर करना चाहते हैं, तो वो सब इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई नाम है, मैंने ये नाम इंटर किया और विजिटर का जो डिटेल है मैं इंटर कर रहा हूँ, जैसे और यहाँ पे कुछ व्हाट्सएप नंबर दिया, कुछ पिक्चर वगैरह है, जैसे ये वो पिक्चर है तो मैंने इसे अपलोड किया। अब जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये एक व्हाट्सएप के लिंक पे ले जाएगा, यहाँ पे ये पूरा डिटेल है जिसका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर चला जाएगा ये पूरा। और उसके बाद एक लिंक में अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं अभी जो डिटेल है वो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे एडिट का सर्च का फीचर्स है, जैसे अगर मैं कोई नाम लिख रहा हूँ तो उसका नाम जो है वो यहाँ पे आ जाता है, और अगर मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ तो वो क्लियर हो गया। यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर हम लोग चाह रहे हैं, तो ये एक्सपोर्ट हो गया, और अगर इसको ओपन करूँगा तो ये डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ ही इसमें इन टाइम और आउट टाइम है, तो जैसे ही कोई रिस्पॉन्स फिल करता है तो इन टाइम होता है, उसके बाद आउट टाइम होता है। तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स का लिंक आया है, तो अगर मैं इस लिंक पे जाता हूँ, अगर मैं इस लिंक पे जा रहा हूँ तो यहाँ से मैं रिस्पॉन्स दे सकता हूँ यस या नो। अगर यस है तो वो अलाउड है, नो है तो मीटिंग वगैरह है। आउट टाइम वगैरह मैं दे सकता हूँ, जैसे अगर ये अभी से 10 मिनट बाद बाहर जाना चाह रहा है, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे पिक्चर वगैरह आ रहा है, फिर मैं जैसे ही अपडेट करता हूँ ये वापस से रिस्पॉन्स को लिंक पे डालेगा कि ये अपडेट हो चुका है। और उसके साथ ही अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो ये बहुत ही अच्छे से प्रिंट हो जाता है। ये क्यूआर कोड है, जब आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको ये वाला डेटा क्यूआर कोड के थ्रू भी मिल जाता है, और अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा तो ये प्रिंट हो जाएगा किसी भी पेपर पे। तो ये सॉफ्टवेयर है, इसका सेटअप करने का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। डाउनलोड वाले लिंक पे आने के बाद आपको ये दोनों फाइल को डाउनलोड कर लेना है, और जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके पास ये दोनों फाइल मिलेगा, दोनों को यहाँ से कट कर लेना। फिर ये वाला जो सॉफ्टवेयर है लैरागॉन का, ये आपको यूज़ करना है, और यहाँ पे जब आपने इसको डाउनलोड करके सेटअप कर लिया तो यहाँ पे आपको रूट नाम का ये वाला बटन मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है और ये www वाले फोल्डर में आ जाता है। यहाँ पे आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना होगा, जैसे मैं विजिटर्स रखना चाह रहा हूँ तो मैं विजिटर्स नाम का एक फोल्डर बना लूँगा, जो भी नाम आपके लिए सही है, क्योंकि इस पे आपका लिंक बनेगा। यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये वाला जो फाइल है, ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसको आपको VS कोड में ओपन करना है। आपको ध्यान देना होगा कि ये जो विजिटर्स वाला फाइल है ये हमारा फ्रंट एंड है, मतलब कि जहाँ पे हम लोग फॉर्म वगैरह क्रिएट कर रहे हैं वो ये वाला फाइल है। एक बार जब आप इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक पैकेज डॉट जेसन फाइल मिलेगा, अगर आप विजिटर्स वाले को ओपन करते हैं तो इसमें इसका पूरा रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। तो आपको टर्मिनल ओपन करना है, टर्मिनल में पहले आपको चेक करना है नोड है या नहीं, उसके लिए कमांड है नोड डैश डैश वर्शन है, तो ये लिखने पे अगर आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल है तो उसका वर्शन आ जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पे नोड का वर्शन 18 है तो ये अब आ गया है। अब इसमें क्या करना है आपको कि ये जो इसमें आपको एडिट अगर करना है तो npm इंस्टॉल चलाना होगा, और एक बार आप npm इंस्टॉल चलाते हैं तो ये वाला पूरा पैकेज इंस्टॉल होगा और वो चलेगा। जब तक ये रिएक्ट वाला पार्ट ये इसको इंस्टॉल कर रहा है, तब तक इसके जो लैरवेल या ल्यूमेन वाला जो फाइल है ये आपको विजिटर्स ल्यूमेन में है, तो मैं इसको क्या करूँगा यहाँ से कट कर लूँगा और विजिटर्स वाले में ले आऊँगा। अब आप देख रहे हैं कि जो ल्यूमेन वाला फोल्डर है डायरेक्टली विजिटर्स में, और ये हमारा विजिटर्स वाला है,
जिसमें कि हमारा फ्रंट एंड है। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको मैं अलग से VS Code में ओपन कर लेता हूँ इसके फाइल को दिखाने के लिए। अब यहाँ पे इसका फाइल है .env वाला है। यहाँ पे आपको डेटाबेस का देना है, जैसे अगर मैं कोई डेटाबेस मेरे पास क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे विजिटर्स DB दे दूँगा। ये डेटाबेस का फाइल हो गया। और फिर से लैरागॉन जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करना, फिर डेटाबेस पे क्लिक करना। इसको क्लिक करने से पहले आपको स्टार्ट ऑल पे क्लिक करना होगा, तो ये जो लैरागॉन स्टार्ट होगा। अगर नया प्रोजेक्ट है तो एक कंफर्मेशन पूछता है, वो क्लिक करने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जब आप डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने जो डेटाबेस का नाम रखा है, जैसे विजिटर्स DB है, तो यहाँ पे आपको एक, मेरे पास बहुत सारे डेटाबेस पहले से है, मैं एक नया डेटाबेस जो नाम है वहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। अब ये हमारा जो विजिटर्स DB है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ तक हमारा क्लियर है कि हमने लैडवेल वाला खोला, वहाँ पे एक डेटाबेस हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, और ये हमारा जो रिएक्ट का है वो चल रहा है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए लोकल होस्ट पर अगर आप कर रहे हैं तो आपको npm start लिखना होगा। अब यहाँ पे जब आप npm start लिखते हैं तो ये लोकल होस्ट 3000 पे डिफ़ॉल्ट में स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा 3000 पे स्टार्ट अभी हो रहा है तो इसलिए आया नहीं है। लेकिन इसमें अगर आपको स्कूल का नाम वाम चेंज करना है तो आपको सोर्स वाले में जाना होगा, और यहाँ पे जो भी है जैसे इंडेक्स वाले में सॉरी कंपोनेंट्स में जाने के बाद जो हमारा विजिटर का फॉर्म है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो डेटा है ये हमारा कनेक्शन बताता है, मतलब इसको आपको सर्च करके चेंज करना होगा अगर आपको लोकल होस्ट पे चलाना है तो। ये सब हम लोग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है कि आपको नाम वाम भी अपडेट करना होगा। जैसे जो फॉर्म का नाम होता है, यहाँ पे रूट में ये विजिटर्स फॉर्म है, और विजिटर्स फॉर्म में ये नाम है महर्षि विद्यालयम चंद्रपुरम। तो इसको एक बार अगर आपको चेंज करना है तो इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से, कंट्रोल शिफ्ट और फाइंड अगर आप प्रेस करते हैं तो एक बार में ही जहाँ जहाँ ये डिफाइन है सब आपको पता चल जाता है। फिर आप इसको यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं नाम वाम को, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। अभी जब हमारा, अभी आपने देखा ये लोकल होस्ट पे स्टार्ट हो रहा है अभी भी, तो ये रिएक्ट वाला पार्ट है जो स्टार्ट हो रहा है, और ये हमारा बैकएंड है। तो यहाँ पे रिएक्ट वाला एक बार स्टार्ट होता है तो उसके बाद में रिकॉर्डिंग ऑन है इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब हमारा जब लैरवेल स्टार्ट है तो अगर जैसा हमने ये वाला जो फोल्डर है WW के अंदर हमने विजिटर्स दिया, तो ये एक डिफ़ॉल्ट URL बना के देता है। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो ये देखिए hostname.test है, तो यहाँ पे अगर हम लोग visitors.test लिखते हैं तो ये एक डिफ़ॉल्ट बनता है। यहाँ पे जो लैरवेल कॉम्पोनेंट डेट है ल्यूमन वगैरह, इसका बस ऐसा ही डिफिनेशन है। ये हमारा बैकएंड है, इसका बस डेटाबेस को मैनेज करने का काम है। और ये वाला जो रिएक्ट वाला है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग कुछ भी चेंज कर रहे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लास्ट में ऐसे मैंने नंबर ऐड किया तो आपको रिफ्रेश करने पर यहाँ पर नंबर दिखेगा, मतलब वो यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप यहाँ पे आपका जो बैकएंड है वो देखिए, बैकएंड आपका visitors.test पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा बैकएंड डिफाइन है वो देखिए ये वाला है, मतलब visitors ये वाला admin.catlab, ये दूसरे डोमेन पे है। तो आपको क्या करना होगा कि ये वाला पूरा सर्च करना होगा जिस पे आपको चलाना है। तो मैं कंट्रोल से फाइंड करूँगा और
ये देखिए इतना जगह ये डोमेन डिफाइंड है, अब इसको रिप्लेस करना होगा हमारे नए डोमेन से जो कि हमारा विस्टर्स डॉट टेस्ट। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे रिप्लेस का डाल दूँगा और इसको फिर इंटर करूँगा। तो ये अब रिप्लेस हो गया। अभी बाकी का काम हमारा ये बैकएंड से होगा, तो उसके लिए डेटाबेस को अगर आपको एक साथ माइग्रेट करना है तो टर्मिनल में जाना है और यहाँ पे आपको जो फोल्डर है वो करना पड़ेगा, मतलब ये वाला पाथ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। cd डॉट डॉट करने पे वो बैक आ गया, फिर cd विजिटर्स अगर मैं करता हूँ तो ये विजिटर्स में करा गया, चला गया। अब इसमें डेटाबेस एक साथ माइग्रेट करने के लिए एक कमांड होता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो हमारे पास कोई भी टेबल नहीं है, ये ब्लैंक है। तो उसको सेट करने के लिए आपको करना है php artisan माइग्रेट। जैसे आप ये वाला लिखते हैं तो ये टेबल्स यहाँ पे क्रिएट होता है और ये जो टेबल आया विजिटर्स वाला ये हमारा इम्पोर्टेंट टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भी डिटेल्स नहीं है। अब अगर मैं यहाँ से कुछ नाम इंटर करूँ, जैसे मैं कुछ भी इंटर कर रहा हूँ, पिक्चर्स वगैरह चेंज कर लेता हूँ, ये नेटवर्क में हम लोग अपने स्टेटस को देख सकते हैं। तो अगर मैं सबमिट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये विजिटर्स क्रिएट हो चुका है, आईडी मिल गया हमारे पास, ये डेटा यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये सिस्टम सही से काम कर रहा है। आप देख रहे हैं डेटा हमारे लोकल जो डेटा वैसे हमने क्रिएट किया था उसमें आ रहा है। तो इतना प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है वो लोकल होस्ट पर चलने लगेगा और एक बार जब ये लोकल होस्ट पर चल रहा है तो अभी क्या करना है आपको यहाँ पे हैश लिखना है और ऐसे विजिटर्स लिखना है, तो ये डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा।